हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अजय सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश दास महंत। हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्लास चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन पार्ट वन हो चुका है हमारा, जिसमें हमने कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, बोडमास रूल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज पार्ट टू में हम देखेंगे घात और करणी, घात के कुछ नियम, करणी के कुछ नियम, यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर है, क्लास स्टार्ट करते हैं। घात की अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है और इस संख्या के माध्यम पे कोई और संख्या है, ठीक है, तो ये वाली जो संख्या कहलाती है घात और ये वाली जो संख्या कहलाती है आपका आधार। क्लियर है, मतलब किसी संख्या पे जितना घात हुआ उस संख्या का उतनी ही बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दो है और इसका घात चार है, मतलब दो गुना दो गुना दो गुना दो, बेसिक सी चीज है जो अपन पढ़ते रहे हैं। दो दो ने कितना चार, चार दो ने कितना आठ, और आठ दो कितना हो गया आपका सोलह। क्लियर है, ठीक। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसके रूल रेगुलेशन बहुत होते हैं, तो क्वेश्चन से ही क्लियर कर लेंगे अपन। क्लियर, ओके। देखिए, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन बोला जाए कि जैसे आपको बोल दिया कि दो का घात साठ, दो का घात साठ, तीन का घात अड़तालीस, और यह है आपको चार का घात, चार का घात छत्तीस और पांच का घात चौबीस, चार का घात छत्तीस एवं पांच का घात चौबीस। क्लियर है, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या की बात होती है हम क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और जब भी छोटी छोटी संख्या की बात होती है तो लघुत्तम की बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा एलसीएम एचसीएफ की जो क्लास चलेगी वहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि अगर आपको बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो अगर इनके जो घात दिए हैं साठ, अड़तालीस, छत्तीस और चौबीस, इनके घात का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया जाएगा तो अपन इस पे कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर, देखिए साठ, अड़तालीस, छत्तीस और चौबीस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने के लिए अपन क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इनका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, देखिए ये कितने का है बारह का, यहाँ ये कितने का बारह का, यहाँ पे गेट कितने का बारह का, तो इसको और से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मैं बारह का तोड़ूंगा तो दो छः तीन दो में फिर से टूटेगा, तो दो सबको डिवाइड करेगा, तीन सबको डिवाइड करेगी, छः भी सबको डिवाइड करेगी। क्लियर है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, दो तो कर देगी ठीक है, तीन भी करेगा, छः भी करेगा, बट इनसे भी बड़ी संख्या क्या है बारह, तो हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बारह, सॉरी ठीक है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या हो गया आपका बारह। तो देखिए दो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बारह, तो यहाँ पे कितना है साठ, तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए साठ। तो घातांक का एक छोटा सा बेसिक से रूल है, इसको समझ लिया कि एक्स टू दी पावर एम होल टू दी पावर एम इज इक्वल टू होता है एक्स टू दी पावर एम इन टू एम, मतलब किसी संख्या पे जो घात होगी और उस पूरे का जो घात होगा वो एक एक दूसरे का दोनों घात का क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ पे बारह है, यहाँ पे कितना चाहिए अपने को साठ, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस बारह से इसको भाग दूंगा कितने बार जाएगा पांच बार, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या आएगा पांच। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे तीन, इसका भी कॉमन फैक्टर जो है कितना आया बारह, अपने को यहाँ पे कितना चाहिए अड़तालीस, इस बारह से अगर इस अड़तालीस को भाग दूंगा कितने बार जाएगा चार, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ चार। अब यहाँ पे चार का भी कॉमन फैक्टर क्या है बारह, यहाँ पे कितना चाहिए अपने को छत्तीस, इस बारह से इस छत्तीस को भाग देंगे कितने बार जाएगा तीन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तीन। तो देखिए बारह तीन छत्तीस, बारह चौ पैंतालीस, बारह पंच सात, वापस मिलेगा अपने को। सेम है कि अगर पांच का भी पूरा क्या है बारह, तो यहाँ पे कितना चाहिए चौबीस, तो बारह को अगर चौबीस से भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा दो बार, तो ये हो गया दो। अब देखिए सबका कॉमन फैक्टर तो सेम है, मतलब यही संख्या कितनी है इसको देख लेते हैं, तो दो का घात पांच क्या हो जाएगा दो, दोने चार, दोने आठ, दोने सोलह, दोने कितना हो जाएगा बत्तीस, ये हो गया आपका बत्तीस। तीन का घात चार क्या होगा तीन, तीन नौ, तीन सत्ताईस, तीन कितना हो जाएगा इक्यासी, 81, ये हो जाएगा चार चौक सोलह चौक चौंसठ, ये हो जाएगा आपका 64, और पांच पंचा कितना हो जाएगा पच्चीस। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है इक्यासी, और इक्यासी किसका वैल्यू है तीन के घात अड़तालीस का, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर कि तीन का घात अड़तालीस इनमें क्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको बोलता है कि दो का घात 300, सॉरी 200 का घात 300, और 300 का घात 200, और 400 का घात 150 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 200 का घात 300, 300 का घात 200, 400 का घात 150 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। फिर से क्या करेंगे, घातों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं पहले 300, 200 और 150, इनके घातों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे गेट कितने का 100 का, यहाँ पे गेट कितने का 50 का, और इन दोनों का गेट कितना 50 का, मतलब हम बोल सकते हैं 50 इन लोगों को कटा देगी, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा 50 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 200 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 50, और अपने को यहाँ पे कितना कितना चाहिए, तो
50 को अगर मैं 300 से भाग दूंगा कितने बार जाएगा, 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 6। यहाँ पे 300 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है 50, और यहाँ पे अपने को कितना चाहिए 200। तो 50 और 200 को भाग दूंगा कितने बार जाएगा 4। ये हो गया आपका 4। फिर आपका 400, इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है 50, और अपने को यहाँ पे कितना चाहिए 150। तो 50 को जब 150 से भाग दूंगा कितना हो जाएगा, 150 को 50 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 3 बार। तो ये हो गया 3। तो देखिए 2 का घात 6 कितना होगा, 2 × 4 × 8 × 16 × कितना हो जाएगा 32। ये हो गया 32। 3 का घात अगर 4 करेंगे तो 3 × 9 × 27 कितना हो जाएगा 81। अब 4 का घात 3 तो 4 × 16 × 64, ये हो गया आपका 64। अब देखिए अगर मैं 10 का घात 2 करूंगा तो कितना शून्य मिलेगा, 10 × 10 बराबर कितना 2 शून्य मिलेगा। तो इसी को अगर मैं 100 का घात 2 करूंगा तो 100 × 100 बराबर 1 को कितना शून्य मिल जाएगा, 4 शून्य मिलेंगे। 1 को कितना शून्य मिल जाएगा, 4 शून्य, मतलब 2 शून्य का घात 2 मतलब 4, 2 शून्य का घात 3 मतलब 6 शून्य, 2 शून्य का घात मतलब किसी संख्या के साथ में जितने ज्यादा जीरो होंगे वही संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। देखिए कैसे समझते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 की बात करता हूँ तो 10 के पास 1 शून्य है, और यहाँ पे मैं 100 की बात करता हूँ तो 100 के पास 2 शून्य है, तो दोनों की बड़ी की कौन सी होगी, जिसके पास ज्यादा शून्य है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 1000 की बात करता हूँ, इसके पास 3 शून्य है, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्लियर है। तो देखिए ये 32, 81, 64, तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य का घात 6 है इस संख्या के साथ, 2 शून्य का घात 6 है मतलब टोटल कितना शून्य मिलेगा, 12 शून्य इसको मिलेगा। इसके घात 4 है, 2 शून्य का घात 4, इसको कितना शून्य मिलेगा 8 शून्य। इसके शून्य का घात 3 है, इसको कितना शून्य मिलेगा 6 शून्य, मतलब 32 के पास 12 शून्य है, 81 के पास 8 शून्य है, और 64 के पास 6 शून्य है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 32, क्योंकि इसके पास कितने शून्य है, 12 शून्य है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 200 का घात 300। क्लियर है। अब इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपके देखिए मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि √18 × 14 × x = 84, तो x का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा चीज को समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कर्णी का घात कुछ नहीं है, यहाँ पे कर्णी का घात कुछ नहीं है मतलब कितना होता है 2 होता है, तो मान लीजिए इस कर्णी में कोई संख्या रहा तो समझिए इस संख्या का 2 जोड़ा होगा, इस संख्या का 2 जोड़ा। मान लीजिए कर्णी का घात अगर आपका 3 है और यहाँ पे कोई संख्या है तो कर्णी का घात 3 है तो समझ लीजिए इस संख्या का 3 जोड़ा हुआ, क्लियर है। बस ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगा। मान लीजिए कर्णी का घात अगर 4 है और यहाँ पे अगर कोई संख्या है तो इसका समझ लीजिए कितना बनेगा, 4 जुड़ा बनेगा, क्लियर है। ओके अब क्वेश्चन को समझते, देखिए यहाँ पे दिया है कर्णी का घात कुछ नहीं है मतलब कितना है 2। तो सबसे पहले इस 2 और 3 को समझने से पहले देखिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x किसमें है, अंडर रूट के फॉर्म पे है, तो अब वो किसमें पूछ रहा है, नॉर्मल x की पूछ रहा है कि x की ही वैल्यू कितनी होगी। अगर यहाँ पे रूट ऑफ x रहता तो इधर पूछ करने की जरूरत नहीं थी, पर ये अपने को सिर्फ x पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पहले तो ये रूट अपने को हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये 18 × 14 × x बराबर दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 84 × 84, क्लियर है। दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, घात का 2, इधर भी क्या कर देंगे अपन घात का 2, तो ये वाला 2 और ये वाला वर्गमूल कट जाएगा, अपने पास सिर्फ इतना बचेगा 84 का घात 2, मतलब जिस संख्या का घात जितना होगा उस संख्या को अपने वर्ग गुणा, तो इसका घात 2 है इसलिए इसका भी 2 बार क्या हो गया गुणा होगा। अब डायरेक्ट x की वैल्यू निकल सकती है, तो x की वैल्यू 84 × 84 / 18 × 14, तो 14 × 1 = 14, 6 × 84, 6 × 1 = 6 और 3 × 2 = 6 + 3 = 24, 3 × 6 = 2 + 3 = 24, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। आई होप क्लियर हुआ अच्छे से, क्लियर है। एक क्वेश्चन इसी में करते हैं, एक क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको बोलता है कि 4 × 2 × 1 बराबर 8 × 1 × 3, तो x का मान क्या होगा, क्लियर। तो देखिए जब भी ऐसे इक्वल के फॉर्म पे घात वाले क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए उनकी जो आधार संख्या होती है उसको बराबर कर लीजिए, फिर दोनों अपन घातों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ का आधार संख्या, ये क्या है आपका आधार संख्या, बराबर यहाँ की जो संख्या है और इन दोनों का आधार अगर समान होगा, अगर इक्वल के फॉर्म पे है तो यहाँ का आधार संख्या और यहाँ का आधार संख्या अगर बराबर है तो उनकी घातों को समतुल्य बताया जा सकता है, या दोनों घातों को बराबर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, क्लियर है। कैसे देखते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है
चार है, तो इस चार को मैं दो का घात दो लिख सकता हूँ और साथ ही इसके घात में दिया है दो एक से धन एक, क्योंकि यहाँ से दो दोनों चार मिल जाएगा। अब इसको आठ को मैं दो का घात तीन लिख सकता हूँ और पूरे का घात दिया है एक से धन तीन, फिर दो दोनों चार दोनों आठ यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था x टू दी पावर a होल टू दी पावर a इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर m इनटू n, ये होता है मतलब यहाँ पे दिए हुए घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, इस दो का इनके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा दो का घात दो दोनों हो गया कितना चार x धन दो एकम कितना हो जाएगा दो बराबर ये कितना हो जाएगा तीन का गुणा x के साथ दो का घात कितना तीन x धन तीन ये कितना हो जाएगा नौ, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ की आधार संख्या और यहाँ की आधार संख्या दोनों क्या है बराबर है, मतलब चार एक्स धन दो और तीन एक्स धन नौ हम बोल सकते हैं दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो आज इसमें पढ़ते हैं ये हो जाएगा आपका चार एक्स धन दो बराबर तीन एक्स धन नौ, क्लियर है। तो चार एक्स में तीन एक्स घटा देंगे कितना बचेगा एक्स, अब नौ में दो घटा देंगे कितना आ जाएगा सात, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब भी इक्वल फॉर्म तो हुआ दोनों खातों को समान करने के लिए उनकी आधार संख्या को क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, क्लियर है। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए करणी के कुछ रूल रेगुलेशन समझ लेते हैं, करणी एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। देखिए करणी को करणियों का सबसे पहले अपन तुलना देखते हैं कि निम्न में से दिए गए करणियों में से कौन सी करणी बड़ी है कौन सी करणी छोटी होती है। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं करणी दो और तीन करणी तीन, करणी दो और तीन करणी तीन में बड़ा क्या है, करणी दो और तीन करणी तीन में बड़ी 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 करणी क्या बनती है। तो बड़ी करणी के लिए फिर अपन क्या करेंगे, देखिए घातांक में जब बताना हो कि बड़ी कौन सा है क्या लेते हैं महत्तम समापवर्तक, इसमें क्या करेंगे करणियों पे लघुत्तम समापवर्तक लिया जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे करणी घात पूछने मतलब कितना है दो, यहाँ पे करणी घात पूछने मतलब कितना है तीन, तो दो और तीन का लघुत्तम समाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा छः, क्लियर है। मतलब हम बोल सकते हैं करणी मतलब छः इसका भी और छः इसका भी, क्लियर है, छः इसका भी छः इसका भी। अब अपने किसका निकालना है दो का और तीन का, दोनों में अपने को कंपेयर करके बताना है कि दोनों में एक्चुअल में बड़ा कौन सा है। तो देखिए अब यहाँ पे संख्या क्या है दो, तो एक्चुअल में इसका करणी घात क्या था, एक्चुअल में इसका करणी घात क्या था दो है, एक्चुअल में इसका करणी घात क्या है तीन है, और एक्चुअल में इसका करणी घात क्या है तीन है। तो देखिए इस छः को दो बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तीन, और इस छः को यहाँ पे तीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दो। कहने का मतलब ये है कि अगर करणी एम एक्स टू द पावर एन है, करणी एम एक्स टू द पावर एन है, तो ये हो जाता है करणी ये ऐसा हो जाता है ए करणी एम टू द पावर एक्स टू द पावर एन है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब एम डिवाइडेड बाय एम हो जाता है। करणी घात जब अपने को निकालना होगा ये वाला एम कितना ये निकालना होगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे छः है तो यहाँ पे अगर मैं एन रखूंगा तो छः को एन से भागूंगा मतलब छः को तीन से भागूंगा तो वापस मेरे को क्या मिल जाएगा दो, क्लियर है। अब छः को मैं दो से भागूंगा तो वापस मेरे को क्या मिल जाएगा तीन, ये क्वेश्चन करते हैं बने रही समझ में आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। देखिए तो ये हो जाएगा आपका छः और करणी, अब दो का घात तीन कितना होगा दो, दोनों चार दोनों आठ, तो ये हो गया छः में करणी आठ, अब ये हो गया छः और करणी तीन का पावर कितना होगा तीन का पावर टू कितना होगा तीन दिया नौ। तो देखिए छः छः दोनों का करणी क्या है समान है, अब जब करणी का घात समान होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इसका भी छः है इसका भी छः है, देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है नौ बड़ा है, हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है तीन करणी तीन, क्लियर है। एक बार और चलो एक क्वेश्चन और पूछिए इसमें, ठीक। देखिए चार करणी पाँच करणी तीन, चार करणी पाँच और करणी तीन, चार करणी पाँच करणी तीन और चार करणी तीन, चार करणी तीन में सबसे बड़ा या सबसे छोटा कुछ भी पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे करणी घात कितना है चार, यहाँ पे करणी घात कितना है दो, यहाँ पे करणी घात कितना है चार, तो चार और दो का क्या निकालेंगे अपन लघुत्तम निकालेंगे, तो चार और दो का लघुत्तम निकालेंगे तो आंसर क्या होगा चार ही होगा, क्लियर है। लघुत्तम और महत्तम की क्लास में मैं शॉर्ट बताऊंगा आपको कि लघुत्तम महत्तम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे निकालते होंगे दो दो ने दो एक कम फिर से दो एक कम एक कम, तो दो दो ने कितना हो जाएगा इसका चार हो जाएगा, क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं उसको कि इनका जो करणी घात को समान करने के लिए ऐसे किए हमने, ये भी चार पे ये भी चार पे और ये भी चार पे, तो देखिए यहाँ की संख्या क्या है आपकी पाँच, तो यहाँ पे चार लाने के लिए एक ही संख्या रखूंगा तो एक को चार से भाग दूंगा चार मिल जाएगा, तो क्लियर है। अब यहाँ पे कितना है तीन, यहाँ पे कितना लाना है अपने को दो, तो इस चार को किससे भाग दिया जाए दो आएगा दो से, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना है
तीन, और यहाँ पे कितना लाना है अपने को, चार। पहले फिर से पावर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तब देखिए इसका भी पावर सेम आ गया, इसका भी पावर सेम आ गया, और इसका भी पावर सेम आ गया। तो पांच एकम पांच हो गया, तीन दिया नौ हो गया, और तीन एकम तीन हो गया। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है क्या है आपका, करणी का तीन। क्लियर है? ओके। अभी करणियों का जोड़ और करणियों का घटा देते हैं। करणियों का जोड़ एवं घटाओ, तो करणियों का जोड़ एवं घटाओ, करणी का जोड़ तभी होगा या करणी का घटाव तभी होगा जब ये सजातीय ध्रुव के होंगे, सजातीय ध्रुव के होंगे। क्लियर है? करणियों का जोड़ या घटाओ सिर्फ और सिर्फ सजातीय ध्रुवों पे ही संभव है। अगर विजातीय ध्रुव है तो उनको नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। जैसे देखिए करणी पांच धन करणी तीन कितना होगा, तो करणी पांच करणी तीन इतना ही होगा। इसका आधार संख्या क्या है, पांच, और इसका आधार संख्या क्या है, तीन। क्लियर है? करणी घात को भी समान होना चाहिए और करणी आधार को भी समान होना चाहिए। क्लियर है? अगर मान लीजिए यहाँ पे पांच करणी दो धन तीन करणी दो रहता, अब पूछता ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ का आधार करणी दो, यहाँ का भी आधार करणी दो, मतलब पांच और तीन कितना हो गया आठ, और ये कितना हो जाएगा आपका करणी दो, ये हो जाएगा आपका आठ करणी दो। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है हमारा, करणी पचहत्तर धन करणी अड़तालीस करणी सेवेंटी फाइव प्लस करणी फोर्टी एट प्लस करणी ट्वेल्व रूट ऑफ ट्वेल्व, इनका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब दो, कुछ नहीं मतलब दो, कुछ नहीं मतलब दो, और अगर जो घात रहती है तो उतने ही बार संख्या का क्या होता है, जोड़ा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर करणी घात तीन है तो संख्या का तीन जोड़ा होगा, करणी घात चार है तो संख्या का चार होगा। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब दो है, मतलब अंदर की संख्या को दो के जो पेयर में अपने को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए करणी पचहत्तर है, किससे भाग जाएगा, विभाज्यता नियम। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा पिछले वीडियो जरूर देखिए, विभाज्यता का नियम से यहाँ पे पांच है, मतलब पांच से भाग जाने वाला है, तो पांच से पांच से पहले देखिए पांच और सात कितना हो जाएगा, बारह, सात पांच बारह, बारह मतलब समझ रहे हैं आप, किससे जाएगा, तीन से भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा तीन दूनी छः, कितना बचेगा एक, और तीन पंचे पंद्रह। क्लियर है? इंटू तीन से गया, क्लियर है? तीन से गया, अब प्लस देखिए ये किससे जाएगा, दो से करेंगे तो चौबीस बार, क्लियर है? प्लस फिर से इसको दो से करेंगे तो छः बार, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, पांच गुना पांच और एक गुना कितना तीन धन दो गुना दो से फिर भाग देंगे कितने बार जाएगा, बारह धन दो, अब करणी छः को सॉरी छः को देंगे कितने बार जाएगा, दो गुना तीन। अब यहाँ से देखिए पांच और पांच पेयर में देते हैं, मतलब पांच यहाँ से बाहर कर सकते हैं, अंदर क्या फंस गया आपका तीन फंस गया, प्लस यहाँ से दो और दो पेयर में देते हैं, मतलब दो बाहर कर सकते हैं, अंदर में क्या फंस गया बारह, और बारह को जब दो से फिर निकाल चार और तीन में निकाल सकते हैं, हो जाएगा चार गुना तीन, चार किया बारह, प्लस देखिए यहाँ पे दो और दो पेयर में दिख रहा है, मतलब दो बाहर कर सकते हैं, तीन, जिस भी संख्या का जोड़ा बनेगा उसको करणी से बाहर कर देंगे। क्लियर है? अगर घात तीन है तो तीन जोड़ा मिलता है तो करणी से बाहर कर देंगे, जिसका नहीं मिलेगा उसको करणी के अंदर वो क्या होता है, फंस जाता है। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे आपका पांच करणी तीन धन यहाँ पे दो है, और चार का वर्गमूल कितना होगा दो, ये हो गया दो, और अंदर क्या फंस गया आपका तीन, प्लस ये हो गया दो करणी तीन। तो देखिए यहाँ पे है पांच करणी तीन धन दो दो चार करणी तीन धन दो करणी तीन। तो देखिए यहाँ का आधार करणी तीन, यहाँ का आधार करणी तीन, यहाँ का आधार करणी तीन, तो पांच चार नौ और दो कितना हो जाएगा ग्यारह, आपका आंसर हो जाएगा ग्यारह करणी तीन। क्लियर है? ग्यारह करणी तीन, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, जैसा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, लंबा इसे चले गया आपको समझाने के लिए, बाकी अगर आप विभाजक नियम अच्छे से देखें तो यही कहेंगे सारे के सारे अपन कर सकते हैं। ये हो गया पच्चीस दिया तो पच्चीस किसका पांच, पांच दिया पंद्रह, मतलब सीधे सीधा पांच बाहर जाएगा, तीन फंस गया। अड़तालीस की बात करेंगे तो कितना हो जाता है, छः अट्ठे अड़तालीस, मतलब दो का घात तीन, और छः पे फिर से दो, मतलब सीधे सीधा पांच चार बाहर तीन फंस जाएगा। क्लियर है? ये समझाने के लिए आपको, ताकि आपको बेसिक से अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ जाएगा विभाजक नियम अगर आप अच्छे से देखेंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं इसका। देखिए ये दिया है रूट ऑफ अस्सी प्लस रूट ऑफ अस्सी प्लस थ्री रूट रूट ऑफ अस्सी प्लस रूट ऑफ थ्री थ्री रूट ऑफ टू फोर फाइव थ्री रूट ऑफ टू फोर फाइव प्लस
सॉरी माइनस रूट ऑफ 125 ठीक है। देखिए अगर आपको इसको लेंथ में नहीं लेके जाना है तो सिंगल सिंगल आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए रूट ऑफ 80 को मैं पहले देख लेता हूँ कि रूट ऑफ 80 क्या देता है मेरे को, तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 और 16 किसका वर्गमूल है 4 का, तो 4 बाहर अंदर क्या कर दिया 5, क्लियर है। 16 पंचे 80 और 16 किसका वर्गमूल है 4 का, तो मतलब 4 बाहर आएगा ठीक। दूसरा देखते हैं 3 रूट ऑफ 245, तो अब देखिए इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए 5 से करेंगे तो 5 20 और 5 ने 45 और 7 से करेंगे तो 7 70 49। तो देखिए पेयर किसका मिल रहा है, अच्छा ये तो 3 का है, क्लियर है। ये जो है आपका 3 का है, सॉरी 3 घात के नहीं है 3 बाहर के है ठीक, ये 3 घात के नहीं 3 बाहर के, तो 3 बाहर पे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 तो बाहर का है इंटू में है, कोई करनी खाती है इसके भी 2 पेयर थे। देखिए 2 पेयर किसके मिल गए 7 के, मतलब आप समझ गए इसमें से 7 बाहर आएगा और अंदर क्या फंस गया आपका 5, क्योंकि इसका पेयर नहीं मिला आपको, क्लियर है। 3 जो है इंटू में है गुना में, 3 गुना में ये आपका 245 है, तो 5 से फिर 7 और पेयर मिलेंगे तो सिर्फ 7 ही बाहर आएगा, ये फंस गया। अब क्या हो जाएगा 7 पेयर कितना हो जाएगा 21 और करनी का कितना हो जाएगा 5। अब अगले की बात करते हैं कितना दिया है 125, तो 5 से करेंगे तो 5 दुनी 5 पंचे 3, 5 से करेंगे 5 पंचे, तो यहाँ भी घात 2 ही का है तो 2 पेयर निकालेंगे इसमें से सिर्फ क्या निकलेगा 5 और अंदर क्या बन गया आपका करनी का 5। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लस में और ये वाला क्या है माइनस में है, तो 21 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 करनी 5 और 25 करनी 5 में ये वाला माइनस है, तो 25 करनी 5 में अगर 5 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 20 करनी 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। एक आता है आपको परमेयीकरण, करणियों का परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है, जैसे अगर आपको a प्लस रूट ऑफ b अपॉन a माइनस रूट ऑफ b दे दिया और इनका परमेयीकरण करना होगा, तो परमेयीकरण करने का मतलब होता है गुना, तो गुना करने से किसका गुना होता है हर का, हर का जब गुना करेंगे हर का परमेयीकरण जब करेंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। जैसे a प्लस रूट ऑफ b अपॉन a माइनस रूट ऑफ b के हर का परमेयीकरण क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस रूट ऑफ b अपॉन a प्लस रूट ऑफ बी, मतलब यही माइनस वाला प्लस होते हैं ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। इसके लिए आपको एक दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जैसे एलजेब्रा का a प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। कम से कम ये 3 क्वेश्चन आपको बीजगणित से याद रखने पड़ेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड